दोस्तों इससे पहले मैंने वेबएक्स फॉर्म स्प्रेयर का वीडियो बनाया था, वो वाला वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर एक कमेंट मिला था, साइनएक्स प्रो फॉर्म मास्टर के रिव्यू वीडियो बनाइए। तो जिसके लिए मैंने साइनएक्स प्रो फॉर्म मास्टर को ऑर्डर किया था और फाइनली पार्सल मेरे हाथ में आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्स करके देखेंगे अंदर में क्या क्या मिलता है, साथ ही साथ साइनएक्स प्रो फॉर्म मास्टर के परफॉर्मेंस कैसा है वो भी टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। और साइनएक्स प्रो फॉर्म मास्टर भी दोस्तों चीप प्राइस में मिल जाता है कंपेयर करें अगर आईके फोमर जैसा महंगा फोम स्प्रेयर से। तो कृपया वीडियो के साथ बन रहे और इसका परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने डाल दिया है, अगर आप चाहे तो वहां से इसके एग्जैक्ट प्राइस को भी चेक कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसको खरीद भी सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो सिलेक्ट करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो बना डाऊंगा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बॉक्स के अंदर में एक और बॉक्स है, तो ये मेन बॉक्स जो है इसको निकालते हैं। बॉक्स के साइड में नज़र डालेंगे तो यहाँ पर लिखा है साइनएक्स प्रो फॉर्म मास्टर और इस फॉर्म मास्टर के फीचर्स वगैरह यहाँ पर साफ साफ लिखा है। और इस साइड में देखेंगे तो साइनएक्स प्रो फॉर्म मास्टर के बारे में कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है यहाँ पर। और इस साइड में देखेंगे तो कैसे इसको यूज़ करना है और इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है यहाँ पर हर एक चीज़ मेंशन है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर में सबसे पहले तो ये रहा दोस्तों साइनएक्स प्रो फॉर्म मास्टर के इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसको साइड में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है साइनएक्स प्रो बबल व स्नो फॉर्म शैम्पू का एक 200 ml का बॉटल जो कि इस बॉक्स के साथ यानी फॉर्म मास्टर के साथ आपको फ्री में मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इस शैम्पू का पिक्चर भी लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर मिलता है 6 पीसेस स्पॉन्ज फिल्टर या फिर फॉर्म फिल्टर। और इसके अलावा साइनएक्स प्रो की तरफ से कुछ कार्ड है यहाँ पर। और ये रहा मेन आइटम और इसके अलावा बॉक्स खाली है और कुछ नहीं है। साइनएक्स प्रो फोम मास्टर के साथ ये जो नोजल मिल रहा है ये है फोम नोजल और यही वाला नोजल जो है फोम को जेनरेट करेगा। और इस फोम नोजल के अंदर में पहले से एक ऐसे ऑरेंज कलर के फोम फिल्टर डला हुआ है जो कि मैं यहाँ से ही देख पा रहा हूँ। तो ये अगर स्टक हो जाए तो तब इसको रिप्लेस करने के काम आएगा ये जो 6 पीसेस एक्स्ट्रा फोम फिल्टर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर फोम नोजल जो है इसको अटैच करना है इस फोम मास्टर के हेड पार्ट के ये वाला पोर्शन में। इसको सिंपली ऐसे लगा के क्लॉकवाइज में स्क्रू करना है और पूरा ऐसे टाइट कर देना है। देखिए तो फॉर्म मास्टर के हेड पार्ट के अंदर में दोस्तों ये है डीप ट्यूब और इसी रास्ते से जो भी सॉल्यूशन आप फॉर्म मास्टर के बॉटल के अंदर में यूज करेंगे वो फॉर्म नोजल की तरफ जाएगा। और यहाँ पर डीप ट्यूब के नीचे में यहाँ पर भी एक फिल्टर लगा हुआ है। तो ये वाला चीज महंगा फॉर्म कैनन में देखने को मिलता है। तो इसको सबसे पहले वापस से स्क्रू कर देते हैं। अभी दोस्तों अगर बात करें साइनएक्स प्रो फॉर्म मास्टर के बॉटल के बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो बिल्ड क्वालिटी दोस्तों एकदम जबरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और दोनों साइड में है साइनएक्स प्रो का ब्रांडिंग और इस साइड में है एक मेजरिंग स्केल जहाँ पर लिखा है 0.5 लीटर 1 लीटर और मैक्सिमम 1.5 लीटर और थोड़ा स्पेस है। और यहाँ पर हालांकि मैक्सिमम 1.5 लीटर है लेकिन कंपनी रिकमेंड कर रहा है इस फॉर्म मास्टर के अंदर में आप जो सॉल्यूशन फील करेंगे वो 1 लीटर से ज़्यादा ना हो, मतलब प्रॉपर रिजल्ट पाने के लिए। और यहाँ पर फॉर्म मास्टर के बॉटल पर यहाँ पर कुछ ग्रिप भी प्रोवाइड किया गया है ताकि यूज़ करने के टाइम पर फॉर्म मास्टर हाथ से फिसलने का चांस ना रहे। और ऊपर के पोर्शन में देखेंगे तो ये रहा फॉर्म मास्टर के पंपिंग हैंडल और यहाँ पर ये वाला भी दोस्तों मेटल का लग रहा है। और इसको ऐसे आपको पंप करके एयर प्रेशर को फील करना है। और ये वाला जो रेड कलर के वाल्व दिख रहा है ये है डीप प्रेशराइजेशन वाल्व, मतलब इसके मदद से आप फॉर्म मास्टर को यूज़ करने के बाद अंदर में जो एग्जिस्टिंग एयर प्रेशर है उसको निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए एक आवाज आया, प्रेशर निकल गया। ये है दोस्तों फॉर्म मास्टर के ट्रिगर और इस ट्रिगर में दोस्तों दो ऑप्शन अवेलेबल है, मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। तो एक तो आप ऐसे प्रेस करके फॉर्म को स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऐसे प्रेस करके आगे की तरफ ऐसे पुश कीजिए तो ये लॉक हो जाएगा, मतलब जितने एयर प्रेशर आपके फॉर्म मास्टर के बॉटल के अंदर में है उतने टाइम तक कॉन्स्टेंटली फॉर्म स्प्रे होता रहेगा। सबसे पहले इस शैम्पू को यूज़ करेंगे इस फॉर्म मास्टर के साथ। तो सील को सबसे पहले निकालते हैं
तो यहाँ पर शैम्पू के ऊपर के पोर्शन में दोस्तों एक मेजरिंग कैप भी है जिसमें मैक्सिमम 30 ml तक मेजरिंग स्केल है। शैम्पू का डाइल्यूशन रेशियो यहाँ पर 1:25 लिखा है, तो यहाँ पर टोटल हम 500 ml सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर शैम्पू जो है लगभग 20 ml के करीब मिक्स करना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फोम मास्टर को यूज़ करने के टाइम पर इसके अंदर में जो पानी यूज़ करेंगे आप, हो सके तो सॉफ्ट वाटर इस्तेमाल करें, उसमें आपको रिजल्ट फोमिंग में बेटर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे RO फिल्टर का वाटर। तो सबसे पहले थोड़ा मात्रा में पानी को डाल देते हैं इस बॉटल के अंदर में, क्योंकि शैम्पू जो है कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ज़्यादा, तो इसको अभी डाल देते हैं यहाँ पर, अभी भी लगा हुआ है देखिए, तो इसके अंदर में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। लगाने के बाद पंपिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं पानी और शैम्पू को। फोम मास्टर के जो पंपिंग हैंडल है इसके मदद से इसको आपको पंप करते जाना है और अंदर में एयर प्रेशर को फील करना है। तो पंप करते करते आपको अंदर के पोर्शन में जो है प्रेशर महसूस होगा, जब पंप करते करते सेफ्टी वाल्व के ये वाला पोर्शन से हिसिंग साउंड आएगा हिस हिस करके, तब आपको समझ जाना है कि मैक्सिमम एयर प्रेशर फील हो चुका है। तो यहाँ पर पंप करते हैं, तो यहाँ पर पंप करते करते बहुत प्रेशर महसूस हो रहा है इस पंपिंग हैंडल पर, अभी हिसित साउंड आ रहा है, मतलब मैक्सिमम एयर प्रेशर फील हो चुका है। मैं इस चीज़ को एक बार माइक्रोफोन को नज़दीक ला के सुनाता हूँ, देखिए देख लीजिए, ये देखिए, दोस्तों यहाँ पर फोमिंग का थिकनेस और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, पूरा टायर और व्हील के साथ चिपक गया है, एकदम ड्राई टाइप फोम लग रहा है, मतलब पानी इसके अंदर में बिल्कुल भी नहीं है ऐसा लग रहा है, और बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं जा रहा है फोम। देखिए थोड़ा सा नज़दीक से आप देख लीजिए, फोमिंग के क्वालिटी में दोस्तों कोई शिकायत नहीं है। और एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, महंगा वाला फोम स्प्रेयर को परचेस करना मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ मनी है, जबकि एक चीप प्राइस में मिलने वाला फोम कैनन से ऐसा रिजल्ट आ रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अभी दोस्तों इस टायर और व्हील के ऊपर में स्प्रे करेंगे, और यहाँ पर ट्रिगर जो है इसको लॉक करके आपको स्प्रे करके दिखाते हैं, देखिए देखिए लॉक कर दिया, और ये कॉन्स्टेंटली स्प्रे होता रहेगा जितने एयर प्रेशर अंदर में उतने टाइम तक। बाद इसको थोड़ा सा ब्रश से क्लीन कर देंगे। तो इस फोम मास्टर के साथ दोस्तों आप किसी भी फोम बेस्ड व्हील क्लीनर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर आपके पास प्रेशर वॉशर मशीन नहीं है, फोम कैनन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये वाला चीप प्राइस में मिलने वाला साइनेक्स प्रो फोम मास्टर का जो फोम स्प्रेयर है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों हालांकि इस फोम मास्टर या फिर किसी भी मैनुअल फोम स्प्रेयर को यूज़ करना थोड़ा मेहनत का काम जरूर है, क्योंकि इसमें एयर प्रेशर ख़त्म होते ही वापस से इसको पंप करना पड़ता है, लेकिन मेहनत का काम होने के बावजूद भी इसमें कुछ फ़ायदा भी है। जैसे इसको यूज़ करने के लिए ना तो प्रेशर वॉशर का ज़रूरत पड़ता है, ना ही आपके इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है। देख लीजिए दोस्तों एक ही जगह पर स्प्रे करने की वजह से फोमिंग का थिकनेस कैसा आया है, देख लीजिए एकदम स्नो फोम सर्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। दोस्तों इस फोम मास्टर को आप गार्डन स्प्रेयर के साथ बिल्कुल भी कॉम्पेयर ना करें, क्योंकि हालांकि गार्डन स्प्रेयर को जुगाड़ के मदद से फोम स्प्रेयर तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें ऐसा परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल फोम स्प्रेयर जैसा परफॉर्मेंस जुगाड़ से बनाया गया फोम स्प्रेयर कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और देख सकते दोस्तों फोम पूरा स्प्रेड होकर निकल रहा है, जबकि जुगाड़ से बनाया गया गार्डन स्प्रेयर की मदद से जो फोम स्प्रेयर बनाया जाता है उसमें पॉइंटेड मोड होकर निकलता है।
साइन एक्स प्रो फोम मास्टर के मदद से आप कार के एक्सटीरियर को फोम वॉश करने के साथ साथ चाहे तो कार के इंटीरियर को भी फोम क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कार शैम्पू के जगह आपको पानी के साथ डाइल्यूटेबल किसी कार इंटीरियर क्लीनर का यूज करना है। यहां पर यूज करने के लिए हमारे पास है ऑटोब्रॉस ऑल पर्पज एक्सट्रैक्शन क्लीनर, 10% क्लीनर को 90% पानी के साथ डायल्यूट करना है। तो यहां पर हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, तो इसमें सबसे पहले नाप के हम 50 ml क्लीनर को डाल लेते हैं। टोटल 500 ml सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो जिसमें 10% होता है 50 ml और बाकी 90% पानी यानी 450 ml। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जो शैम्पू यूज़ किया था पूरी तरीके से इसको क्लीन कर लिया है हमने, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पर। ऑटोब्रॉस ऑल पर्पज एक्सट्रैक्शन क्लीनर के वीडियो में जब इसको पानी के साथ डाइल्यूट करके स्प्रे बॉटल पर यूज किया था तो वहां पर फोम प्रोड्यूस नहीं हुआ था, जबकि यहां पर देख सकते हैं फोमिंग का कंसिस्टेंसी कैसा है और एकदम ड्राई टाइप फोम लग रहा है। इसको यूज करने का प्रोसीड्योर सेम ही है, डिटेलिंग ब्रश के मदद से स्क्रब कर देना है। फोम मास्टर के मदद से आप किसी भी पानी के साथ डाइल्यूटेबल कार इंटीरियर क्लीनर को यूज करते हैं तो आपको अलग से कोई महंगा कार फोमिंग इंटीरियर क्लीनर को भी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।